आपको ये खबर सन्न कर देगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके जेब में रखी आपकी नोट बीमारियों को दावत दे रही है, आपके लिए मौत को और पास खींच रही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। यदि आप पुरानी नोट और सिक्कों का अधिक प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाएं। यदि आप समय रहते नहीं चेते तो बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि डॉक्टर्स कह रहे हैं। पुरानी नोट व सिक्कों से होने वाले इन्फेक्शन से पीड़ित 3 से 4 मरीज रोजाना शहर के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा बीमारी को दावत मार्केट में चल रहे 10 से 20 साल पुराने नोट व सिक्के दे रहे हैं। कई बार सिक्के व नोटों का ज्यादा लेन देन होने की वजह से वे मैले हो जाते हैं। नोटों में गंदगी की भरमार दिखनी शुरू हो जाती है। इस गंदगी भरे नोट से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के एक दल के मुताबिक गंदे पुराने नोटों पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन होते हैं जो कुछ खास वायरस और बैक्टीरिया को अपने साथ वहन करते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरस बीमारियों को दावत देते हैं। Council of Scientific and Industrial Research and the Institute of Genomic and Integrative Biology के साइंटिस्ट द्वारा किए गए इस रिसर्च के मुताबिक 10, 20 और 100 रुपए के नोट पर 78 रोगाणु और 18 जीन मिले जो शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने इस रिपोर्ट को क्लोज वन नामक के साइंस जर्नल में पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वो गंदे पुराने नोटों को लेने से पहले सावधान रहे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे का लेन देन करना हम बंद नहीं कर सकते, तो ऐसे इन्फेक्शन से हम कैसे बचे? इसीलिए आस्काय गुरु आज आपके लिए लाया है कुछ क्विक टिप्स, जिसे अगर आप याद रखेंगे तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने में आपको आसानी होगी। टिप नंबर 1, मेले नोटों को बैंक में जमा करवाएं। टिप नंबर 2, नोटों की गिनती के समय थूक का प्रयोग न करें। टिप नंबर 3, स्नैक्स व खाना खाने के दौरान मेले नोटों को हाथ में न लें। टिप नंबर 4, बच्चों को मेले नोट हाथ में न पकड़ाएं। RBI के नियम के अनुसार नॉन इश्यूएबल नोट के तहत बैंक पुराने नोट को चेस्ट में भेज देता है। चेस्ट आगे RBI में भेज देती है, इसके बदले नए नोट मिलते हैं। RBI पुराने नोट को खत्म कर देता है। लोग पुराने नोटों को बैंक में जमा करवा सकते हैं। टिप नंबर 5, पंजाब बैंक इम्प्लीमेंटेशन एसोसिएशन के प्रधान अमृत लाल ने कहा है कि लोगों को करेंसी का प्रयोग संभाल के करना चाहिए, मेले नोटों को बैंक में जमा करवाना चाहिए ताकि मार्केट में नए नोटों का चलन अधिक से अधिक हो सके। पुराने नोट्स जो हम हर रोज यूज करते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। जोशी अस्पताल के डॉक्टर मंजू राजपूत ने बताया कि इन्फेक्शन गंदगी से होती है, जंक फूड खाने से ही नहीं बल्कि मेले नोटों के लेन देन से भी हो सकती है। मेले नोटों को जब थूक से गिनते हैं तो उसकी गंदगी शरीर में चली जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है। रोजाना अस्पताल में 3 से 4 इन्फेक्शन के केस भी आते हैं। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि मेले नोटों को इस्तेमाल न करें, उसे हो सके तो बैंक में जमा करवा दें। अगर आपके पास भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ टिप्स है तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।